हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फी। बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से ये घर पे बन जाती है। आसान सी विधि है लौकी की बर्फी बनाने का, जो तरीका है हलवाई जैसे पूरी परफेक्ट आपकी बर्फी घर पे बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी है। ऐसे हम आपको लौकी की बर्फी बताएंगे बनाने के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम लौकी लेते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, लौकी को ये ऊपर का जो पार्ट है ऐसे हमें काट लेना है। देखिए, अब इसको हम बीच से काट लेंगे। लौकी को काट लिया हमने, अब इसे हमें क्या करना है, ऐसे रखना है, फिर से बीच से हमें ऐसे इसे काट लेना है। देखिए, और ये जो रहा साइड का, इसे हमें निकाल देना है। दोनों साइड का हमने देखिए ऊपर का पार्ट जो है हमने निकाल दिया, नीचे का भी निकाल दिया। अब इसका हमें छिलका साफ करना है। देखिए, ऐसे हम छिलके उतार लेंगे। देखिए, हमने छिलका साफ करके और बीच से हमने इसे अलग कर दिया है। देख सकते हैं, इसे ये दो पार्ट था, हमने इसे चार कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब हमें कद्दूकस जो लेना है तो ये पतला वाला जो है इससे हम कद्दूकस करेंगे, मोटे वाले से नहीं करना है। अब इसको हम कर लेंगे कद्दूकस। देखिए, ऐसे ही हम सारे लौकी को कद्दूकस करके तैयार कर, लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। जो एक्स्ट्रा इसमें बीज था उसको हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बारीकी से ये कद्दूकस हो गया है लौकी। लौकी की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए, अब इसे हमें क्या करना है आगे देख लेते हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। आप देख सकते हैं हमने एक चम्मच ये घी ले लिया है और चूल्हे को हमें ऑन कर देना है। और लौकी जो है इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। लौकी को हमें भूनना है, लौकी की जो है बर्फी बन पाए, इसलिए अब देखिए, अब इसको हमें घी के साथ इसे मिक्स कर देना है। थोड़ी देर इसे भूनेंगे, फिर से वापस इसे हमें ढक देना है, ढक के, और इसे मध्यम आंच पे रख के अच्छे से लौकी को हम गलाएंगे। घी के साथ इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम वापस से ढक देते, देखिए इसको हमने ढक दिया। इसे बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। देखिए, हमने चूल्हे का पॉइंट जो है कम पे कर दिया है कि लौकी अच्छे से गले। अब इसको हम कम पे रख के ही अच्छे से लौकी को गला के तैयार करेंगे। देखिए, हमने इसे बीच बीच में चलाते हुए आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से ये गल गई है लौकी। अब इस समय हम इसमें दूध डालेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से लौकी जो है गल गई है। कभी भी अब बर्फी जब बनाते हैं तो पहले ऐसे जैसे हमने आपको बताया ऐसे करेंगे, पूरी परफेक्ट हलवाई जैसे। बहुत ही आसान है बनाना, आसानी से घर पे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है लौकी की बर्फी बनाने में। बहुत अच्छे से देखिए गल चुका है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए, मसलने पे ये हट जा रहा है बहुत अच्छे से। अब इसमें हम दूध डाल देते हैं। हमने दूध की मलाई ले ली है और इसमें दूध ले लिया है, इसको डाल देते हैं। अब इसे साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब इसे हमें साथ में पकाना है। अभी इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, पहले इसको हम पकाएंगे। दूध जो है अच्छे से सूख गया, आप देख सकते हैं। इस समय हम चीनी डालेंगे। मीठे के अनुसार हमने चीनी ले लिया था, छोटे कप के अनुसार। जैसे आप देख सकते हैं लौकी है, उसके अनुसार हमने मीठा यूज़ में लिया है। इस कटोरी से हमने आधी कटोरी डाल दी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसके साथ हमें लौकी के साथ इसे मिक्स कर देना है। चीनी गल गई है, पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब इस समय डालेंगे हम ये, जितना हमने चीनी यूज़ में लिया उतना ही हमें मिल्क पाउडर यूज़ में लेना है। ये आधी कटोरी मिल्क पाउडर रहा, साथ में इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने ये मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएगा ये जो रहा ग्रीन कलर, अब इसको भी साथ में मिक्स कर लेते हैं। ग्रीन कलर जो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हमें चलाते हुए सूखा कर लेना है। देखिए, अच्छे से लौकी जो है सूख गई है, कढ़ाई जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे हम थाली में फैला लेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है सूख के, कढ़ाई जो छोड़ने लगी है। बहुत परफेक्ट जो है लौकी की बर्फी आसान तरीके से बन जाएगी। ये चूल्हे को बंद कर देते हैं। थाली में हमने घी ले लिया है और इसे में मिला लेना है। घी लगा देने से ये फ़ायदा रहता है, जब हम वो बर्फी बनाएंगे बहुत जल्दी आसानी से वो निकल जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं, टूटने लगेगा। देखिए, हमने अच्छे से इसमें घी जो है लगा दिया है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ हमारा जो लौकी है,
अब इसको हम इसमें सेट करेंगे थाली में। निकाल लेते हैं इसे, देखिए स्पून की सहायता से इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, आधे घंटे लग जाएंगे ठंडा होने में। ठंडा हो चुका है, अब इसको हम काट लेते हैं, जैसा बर्फी छोटा बड़ा पसंद करते हो उसके अनुसार इसे काट लें। देखिए अब इसे हमें तीन हिस्से में इसे हमें कर लेना है, और ये जो रहा आगे साइड से ऐसे हम इसे काट लेंगे। चौकोर चौकोर पीस हमें चाहिए बर्फी का, अब जैसा देना चाहते हैं काजू कतली की जैसे, या देखिए ऐसे हम इसे काट लेंगे। हमने बर्फी जो है काट के तैयार कर लिया है, अब जाएगा ये बादाम, हमने काट के पतले पतले ले ली है। अब इस पे हम डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से ऐसे हाथों से सेट कर लेना है। बादाम से हमने ये सजा दिया है बर्फी को, अब इसे हमें अलग अलग कर लेना है। देखिए बस ऐसे, अब नाइफ जो है ऐसे हिलाइए और आपकी फटाफट बर्फी जो है साइड में अलग अलग हो जाएगी। बर्फी सारी हट गई है साइड में, अब इसे हमें प्लेट में बर्फी को रखते जाना है। लौकी की बर्फी जो है बनके तैयार हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसे आप लौकी की बर्फी बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं।